मुंबई से कार में एम्प्टी ड्रग्स लेकर आ रहे तीन तस्कर आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। तस्करों से ट्रक, कार एवं अन्य सामान सहित करीब 26,65,000 का माल जब्त किया गया है। ये कार्यवाही क्राइम ब्रांच पुलिस के उपायुक्त चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में की गई। क्राइम ब्रांच के मादक पदार्थ विरोधी दस्ते को गत 9 जुलाई को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मुंबई से वर्धा होते हुए नागपुर में एमटी ड्रग्स बड़ी मात्रा में कार से लाई जा रही थी। दस्ते के पुलिस निरीक्षक मनोज सिडाम ने बेलतरोड़ी इलाके में महेश रेस्टोरेंट के सामने खापरी परसोड़ी में जाल बिछाया और टाटा इंडिगो कार को रोक कर उसमें से तीन आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 250 ग्राम एमटी ड्रग्स पाउडर मिला। आपको बता दें कि इस पाउडर की कीमत करीब 25,00,000 रुपए बताई गई। इस दौरान आरोपियों से एमडी ड्रग्स, विविध कंपनियों के 21,000 के चार मोबाइल, 34,000 रुपए नकद और 1,00,000 की कार जब्त की गई। तीनों ही आरोपियों पर बेलतरोड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही क्राइम ब्रांच पुलिस के उपायुक्त चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में की गई। नागपुर क्राइम ब्रांच की जो NDPS अमली पदार्थ विरोधी पथक है, इसने दिनांक 10 तारीख को एक बड़ी रेड की, जिसमें हमें तीन आरोपी मिले और जिनके पास से 250 ग्राम मेफेड्रिन, जिसे MD भी कहा जाता है, यह ड्रग बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत आज की कीमत अगर उसे मार्केट में देखी जाए तो कुल ये 25,00,000 रुपए के करीबन इसकी कीमत है। इसमें आरोपी है इब्राहिम खान अकबर खान, रहने वाला ये नंदनवन नागपुर, शेख फारूक शेख महमूद, आज़ाद कॉलोनी ताजबाग सक्करदरा, और तीसरा जो आरोपी है रिजवान खान वल्द वहीद खान, ये रहने वाला है सक्करदरा का। इन सब के पास में से ये टाटा इंडिगो वाइट कलर की, इसमें ट्रैवल कर रहे थे। हमारी क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली और एक इन्होंने ट्रैप रचकर बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन की हद में इन्होंने इनको पकड़ा। गौरतलब रहे कि तस्करी किसी भी ऐसी अवैध प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मुख्य रूप से एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को अवैध रूप से ले जाने की प्रक्रिया को ही तस्करी नाम दिया जाता है। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति ऐसा नशा किसी दूसरे देश में लेकर जाता है, जबकि उस देश की सरकार द्वारा वो नशा बैन किया हुआ होता है, और जो व्यक्तियों को लत लगा दे तथा युवाओं का भविष्य खराब कर दे, ऐसे सभी नशे को गैर कानूनी मानकर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट, NBC न्यूज के लिए।